राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा बहुत बड़ा आदेश निर्देश प्रसारित किया गया है। भोपाल दिनांक 18/1/2023 के संदर्भ में प्रत जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा दिनांक 6/11/2022 का परीक्षा परिणाम घोषित करने बाबत उपरोक्तानुसार विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 6/11/2022 को आयोजित राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम डब्ल्यू एजुकेशन पोर्टल mp.government.in पर देखा जा सकता है। कृपया आप अपने जिले के चयनित छात्रों को अवगत कराते हुए NSP खुलने से पूर्व गत वर्षों के अनुसार पात्र छात्रों के खाते खुलवाने संबंधी तैयारी सुनिश्चित करें। छात्रों के खातों की जानकारी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड करने हेतु भारत सरकार से प्राप्त निर्देश एवं परीक्षा परिणाम की हार्ड कॉपी इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। तो ये दोस्तों, यह रहा बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश निर्देश। राष्ट्रीय मेंस का मेरिट परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। तो चलिए हम चयनित छात्रों की सूची देख लेते हैं। तो हमारे इस वीडियो पे आप बने रहिएगा। तो प्रिय साथियों, राष्ट्रीय मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये रहा जो है परीक्षा परिणाम की चयनित सूची। इसको स्कोर कर लें, बहुत ही लंबी सूची है। पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों के चयनित विद्यार्थियों की सूची है। तो बहुत लंबी सूची है। तो इसको हम अपने विद्यालय के चयनित विद्यार्थियों का नाम हम इस लिस्ट में कैसे ढूंढेंगे, तो बहुत ही सहज और सरल तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही लंबी सूची है। इसको हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जा रहे हैं और सूची इतनी लंबी है कि इस सूची में अपने विद्यार्थियों का नाम ढूंढने में आपको बहुत ही दिक्कत आ रही होगी। तो चलिए, हम बता रहे हैं आप सभी को। हमारे वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। चयनित विद्यार्थियों की सूची 1 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ पे 1 मिनट में हम अपने विद्यालय के चयनित विद्यार्थियों की सूची 1 मिनट में आप देख सकते हैं। ओके साथियों, तो चलिए हम प्रोसेस शुरू करते हैं। अपने विद्यालय के बच्चों की, चयनित विद्यालय के बच्चों की जो है सूची हम कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने विद्यालय का आप नाम लिखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, MS बगैहा। यहाँ पे हमने MS बगैहा का नाम चूज कर दिया है, लिख दिया है यहाँ पे। अब देखिए जो है यहाँ पे आ चुका है हमारे विद्यालय के बच्चे का नाम, MS बगैहा का जो है यहाँ पे जो है कलर में आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ये देखिए MS बगैहा सीधी। छात्र का नाम भी यहाँ पे आ चुका है, छात्र का नाम ओम प्रकाश प्रजापति। तो यदि आप छात्र का नाम यहाँ पे डालेंगे तो छात्र का नाम के सामने जो है कलर में आ जाएगा। तो चलिए हम छात्र का नाम भी देख लेते हैं, यहाँ पे MS बगैहा, MS बगैहा सीधी। ओके साथियों, तो इस तरह जो है आप अपने विद्यालय के चयनित विद्यार्थियों की सूची बहुत जल्दी 1 या 2 मिनट में आप देख सकते हैं। ओके साथियों, तो चलिए यहाँ पे हम छात्र का नाम भी लिख सकते हैं। तो छात्र का नाम का यहाँ पे चयनित विद्यार्थी का नाम ओम प्रकाश प्रजापति। यहाँ पे देखिए आ चुका है ओम प्रकाश प्रजापति के नाम पर जो है यहाँ पे कलरफुल आ चुका है। तो इस तरह जो है आप इस सूची से जो है अपने विद्यालय के बच्चों का नाम देख सकते हैं। ओके साथियों,
तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। तो शायद हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।